दोस्तों आज हम अपने इस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस बनाने वाले हैं, वो भी नमक और पानी की सहायता से। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ये प्लास्टिक की बॉटल है जिसमें हमने ये दो होल कर लिया है, और हमारे पास ये सेल है जो हम घड़ी में यूज करते हैं, और ये सेल इसकी बैटरी लो है। तो हम इसे पहले तोड़ेंगे और इसके अंदर से ग्रेफाइट की छड़ निकाल लेंगे, जो ग्रेफाइट की छड़ इसके अंदर रहती है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर के कवर को निकाल दिया है। हम इसके अंदर की ग्रेफाइट की छड़ को निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ये ग्रेफाइट की छड़ निकाल लिया है। हम इस दूसरे सेल की भी बैटरी उसी प्रकार से निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी भी ग्रेफाइट की छड़ को निकाल लिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर दो ग्रेफाइट की छड़ हो गई हैं। अब हमारे पास जो ये बाटल है, हम इसके ढक्कन को पहले खोल लेंगे, और हमारे पास ये जो बाटल में हमने दो होल कर रखा है, हम इसमें ये ग्रेफाइट की छड़ को अंदर लगा देंगे, दोनों छड़ को, एक को ऊपर वाले होल में और एक को नीचे वाले होल में। दोस्तों हम इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल कर रखेंगे और हिस्सा अंदर कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने ये जो ग्रेफाइट की छड़ निकाली थी, मुझे एम सील और फेविक्विक की सहायता से हमने इस बॉटल के अंदर फिट कर लिया है अच्छे से, ताकि इससे गैस लीकेज ना हो। और दोस्तों हमारे पास ये जो इसका ढक्कन है, हमने इसमें आईबी का सेट, पूरा आईबी सेट सेट कर लिया है पहले से ही, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों हम इस बॉटल के अंदर डालेंगे नमक और पानी को। तो हमने बॉटल के अंदर नमक डाल दिया है, अब हम डाल देते हैं इसके अंदर पानी। दोस्तों हम केवल इतना ही पानी भरेंगे ताकि जो ऊपर जगह रहे उसमें गैस भरी जा सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने जो चार्जिंग केबल हमारे पास है, हमने इसे कनेक्ट कर लिया, एक वायर को ऊपर वाले ग्रेफाइट में, एक वायर को नीचे वाले ग्रेफाइट में, और अब हम इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं। दोस्तों हम इसके ढक्कन को अच्छे से एकदम टाइट बंद करेंगे। दोस्तों हम इसे जो आईबी सेट है, हम इसको बंद करके रखेंगे यहाँ से, ताकि गैस की लीकेज ना हो सके। और अब हम इसे कुछ देर के लिए लगा देते हैं चार्जिंग के लिए। हम इसे 15 मिनट चार्ज कर लेंगे, ताकि इसके अंदर ये जो खाली जगह इसमें गैस बन सके। दोस्तों हमने इसे चार्जिंग में लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब ये कुछ देर में इसमें हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, फिर हम आपको इसे इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसे जो हमने सेट बनाया पूरा, इसे चार्ज करने के 15 मिनट बाद इसमें हाइड्रोजन गैस बन चुकी है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है, जो होती है वो फ्लेमेबल होती है। तो इसलिए हम इस हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आपको इस आग लगाकर दिखा रहे हैं। हम पहले आईबी सेट को ऑन करते हैं, और तुरंत यहाँ पर हम ये लाइटर, ये देख सकते हैं इसमें लाइटर झम्मा। दोस्तों ये नीडल में आग लग चुकी बनी है, लेकिन कम हाइड्रोजन गैस बन पाई है इसमें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह एक्सपेरिमेंट वीडियो कहीं भी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई हो, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में जो बेल आइकन का बटन से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट की वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों हम आपको जल्द ही मिलेंगे नई एक्सपेरिमेंट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।